नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का SCS एकेडमी के हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर पर आधारित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे और परीक्षाओं में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की इस क्लास में आपका पहला प्रश्न है, किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्तों, डॉक्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में हमने देखा कि भारत में 5 राज्यों के चुनाव हुए और इन 5 राज्यों में से हिंदी बेल्ट के 3 बड़े राज्य जो थे वो चर्चा में रहे, जिसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम आता है। इन तीनों राज्यों में जैसा हम सोच रहे थे कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, उसके अलग जाकर चीफ मिनिस्टर हमें दिखाई पड़ते हैं। अंतिम पंक्ति में किसी नेता को केंद्र सरकार ने, जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी का है और बीजेपी पार्टी पर उन शीर्ष नेताओं का कहीं ना कहीं बोल सकते कंट्रोल भी है, उनके द्वारा निश्चित किया गया कि अंतिम पंक्ति के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ऐसा हुआ भी है, जहां हम देखते हैं कि एक तरफ भजनलाल शर्मा जी को, एक तरफ मध्य प्रदेश में हम मोहन यादव जी को देखें और छत्तीसगढ़ में हम विष्णुदेव सहाय को देखते हैं, जो चीफ मिनिस्टर के तौर पर देखे गए हैं। शायद ही हम लोगों ने इनके बारे में पहले कभी सुना था, लेकिन उसके बावजूद हम इन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर देख रहे हैं। तो एक अलग प्रकार का लोकतांत्रिक कदम हमको देखने को देश में मिलता है कि अब कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है, अगर वो कैपेबल है तो, उसके अंदर कुछ बात है तो। यहाँ पर जो पुराने नेता थे जिनको हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनमें रमन सिंह का नाम भी आता है। डॉक्टर रमन सिंह 2008, 2013, 2018, 2023 में राजनंदगांव, जो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, राजनंदगांव की सीट से लगातार 4 बार विधायक चुनकर आए हैं। पिछले बार लास्ट टाइम हम देखें तो मुख्यमंत्री भी थे छत्तीसगढ़ के, लेकिन 2018 के इलेक्शन में बीजेपी की वहां पर हार हुई और भूपेश बघेल जो थे वो मुख्यमंत्री बने कांग्रेस पार्टी के छत्तीसगढ़ के। अभी जब चुनाव में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को प्रचंड जीत हासिल हुई, उसके बाद जब विष्णुदेव सहाय जी को मुख्यमंत्री चुना गया, तो वहां राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तौर पर डॉक्टर रमन सिंह को चुना गया। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। डॉक्टर रमन सिंह जो है दोस्तों 71 वर्षीय हैं और इनका नाम जो है वो विष्णुदेव सहाय जी ने ही प्रस्ताव किया था, जो कि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के। विधानसभा का अध्यक्ष दोस्तों विधानसभा का स्पीकर भी होता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि नियमों के हिसाब से विधानसभा की कार्यवाही संचालित करवाता है और निष्पक्ष होकर करवाता है। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस क्षेत्र में पहले शीतकालिक वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत हुई? तो आर्कटिक दोस्तों उत्तरी ध्रुव है, यहां पर भारत का पहला शीतकालिक वैज्ञानिक अभियान शुरू हुआ है, यह भी ध्यान रखिएगा। और केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जो है, किरण रिजिजू ये जो है, इन्होंने इस अभियान को हरी झंडी दिखाई है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आर्कटिक में पहले से ही शीतकालीन भारतीय अभियान जो है उसको भाग लेगा। और 2008 से आर्कटिक में, याद रखिएगा, 2008 से आर्कटिक पे हिमाद्री, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, आर्कटिक में हिमाद्री अनुसंधान केंद्र भारत का संचालित है। अगर अंटार्कटिक में पूछेगा दोस्तों, तो अंटार्कटिका पर हमारा 1983 से दक्षिणी गंगोत्री है, फिर 1988 से हम वहां पर देखते हैं मैत्री, और 2012 से हम वहां पर हमारा शोध केंद्र देखते हैं अंटार्कटिका पर भारती। ये अंटार्कटिका दक्षिण ध्रुव पर है, लेकिन उत्तरी ध्रुव पर हिमाद्री जो है वो हमारा शोध केंद्र है, 2008 से वहां पर स्थापित है, ये ध्यान रखिएगा। और अप्रैल से अक्टूबर के दौरान यहां पर गतिविधियां संचालित की जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो पूनम खेत्रपाल सिंह जो है, इनको हम बोल सकते हैं कि ये अवार्ड मिला है भूटान की तरफ से, और भूटान के राजा, इनका नाम याद रख लीजिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, ये जो है ये भूटान के राजा हैं, और इनके द्वारा पूनम खेत्रपाल सिंह को ये अवार्ड दिया गया है। 116वें राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भूटान के राजा ने ये अवार्ड ने दिया है। और पूनम खेत्रपाल सिंह जो है दोस्तों पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। गरीबी, भुखमरी, बीमारियों को खत्म करने के लिए एकजुट होकर यह संकल्प लिया गया है। UN ने दोस्तों इस दिवस को सन 2002 में घोषित किया था, तब से हर साल 20 दिसंबर को इसको मनाया जाता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है, मिस्र के राष्ट्रपति कौन है जिन्होंने तीसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो अब्दुल फतह अल सिसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने ये चुनाव जीता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, उत्तरी अफ्रीका की तरफ आता है दोस्तों, इसके ऊपर भूमध्य सागर है। नील नदी जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वो मिस्र से अंतिम रूप से होकर बहती है, उसके बाद भूमध्य सागर में गिर जाती है। नील नदी के कारण यहाँ पर एक उपजाऊ क्षेत्र बनता है और विश्व के सबसे बेहतर प्रकार के कपास के उत्पादन के लिए मिस्र जाना जाता है, जिसकी राजधानी काहिरा है। ठीक, अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से कितने लोगों को सम्मानित किया जाएगा? तो दो लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा और इन दो लोगों में नाम है दोस्तों चंद्रशेखर शेट्टी एवं रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। ये दो लोग हैं दोस्तों, इनको ये प्रदान किया जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। पहले इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका नाम बदलकर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर कर दिया गया और इस साल दो लोगों को दिया जा रहा है, चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को यह दिया जा रहा है। ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ये अवार्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अर्जुन अवार्ड का भी वितरण किया गया है, जिनमें मोहम्मद शामी का नाम आपको याद रखना है। ये दोनों खिलाड़ी जिनको ये दिया जा रहा है दोस्तों, उन खिलाड़ियों को हम बोल सकते हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी जिनको उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। किस केंद्रीय मंत्री ने दो दिवसीय जनजातीय केंद्रीय कार्यक्रम आदिवासी व्याख्यान का उद्घाटन किया है? दोस्तों अर्जुन मुंडा जो है इन्होंने जनजातीय परंपरा और संस्कृति के संरक्षण के उद्देश्य से इस जनजातीय केंद्रित कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अगले संस्करण का आयोजन तमिलनाडु में होगा, चेन्नई जिसका केंद्र होगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है दोस्तों, ये पिछला संस्करण इनका मध्य प्रदेश में हुआ था, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। 2018 से लगातार भारत में खेलों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से भारत के जो युवा प्रतिभावान खिलाड़ी हैं जिनकी प्रतिभा सामने नहीं आ पाती, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के माध्यम से उनको राज्य स्तर पर देश स्तर पर कहीं ना कहीं लाया जा रहा है। उनके प्रदर्शन को देखते हुए उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार किया जा रहा है खेलो इंडिया के माध्यम से। किसे हाल ही में FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों हार्दिक सिंह को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ पर हार्दिक सिंह के साथ एक और नाम याद रखेंगे आप लोग, सविता। हार्दिक सिंह और सविता दोनों हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया 2023 में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि हॉकी से रिलेटेड अवार्ड है, ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जियो मार्ट के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की पहुंच को बढ़ाने के लिए समझौता किया है। दोस्तों याद रखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय जो कार्यक्रम है और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है उसके साथ मिलकर इस व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। राष्ट्रीय गणित दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन जी की जयंती होती है दोस्तों। गणित में इनके योगदान को स्मरण करते हुए हर साल 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के तौर पर मनाते हैं। श्रीनिवास रामानुजन जी का जन्म दोस्तों 1887 में हुआ था। कहां हुआ था? तमिलनाडु के इरोड में। ठीक है, यह आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपका, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो सड़क परिवहन एवं रोजगार मंत्रालय की पहल है, जिसके अंतर्गत दोस्तों लगभग 1467 परियोजनाओं को भूमि राशि पोर्टल के तहत लाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाना। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में 100 मिलियन यात्रियों को यात्रा कराने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन सी बनी है? दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस बन गई है। ये तो थे प्रश्न, अब हम देखते हैं कुछ टॉपिक्स को जिनसे डिटेल में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला टॉपिक है आपका SCO का संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास। दोस्तों यहाँ पर SCO का मतलब है संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, ये जो संगठन है इसके सदस्य देशों ने आधिकारिक सहयोग के लिए एक संयुक्त विरोधी आतंकवादी विरोधी अभ्यास का आयोजन किया है, ध्यान रख लीजिएगा।
क्या अभ्यास है? संयुक्त आतंकवादी विरोधी अभ्यास किसने किया है? एससीओ ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है? आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश लगाना। यहाँ ऑनलाइन को आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा कि यहाँ पर आतंकवादी, अलगाववादी और चरमपंथी ऑनलाइन गतिविधियों पर अंकुश लगाने का यहाँ पर प्रयास किया गया और इसको भारत ने आयोजित किया है। अगर एग्जाम में पूछे किसने आयोजित किया है तो भारत ने इसको आयोजित किया है। अब यहाँ पर समझना है कि एससीओ है क्या। तो दोस्तों एससीओ एक अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसका उद्देश्य है एक नई लोकतांत्रिक, निष्पक्ष, तर्कसंगत, राजनीतिक एवं आर्थिक अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना। कब बना था दोस्तों? तो एससीओ का गठन 2001 में किया गया था और इसके चार्टर को 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। 2003 से यह लागू हुआ था। अगर इसके सदस्य देशों की बात करें, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान जो है वो एससीओ के सदस्य हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसका जो अभी अभ्यास है दोस्तों, आतंकवाद विरोधी अभ्यास, ये भारत द्वारा आयोजित किया गया है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है दोस्तों दी वाइजेंट यूरोपियन बाइसन। ये वाइजेंट यूरोपीय बाइसन एक जानवर है, इसको आप यूरोपियन वुड बाइसन भी कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के दौरान इसके संरक्षण पर प्रकाश डाला गया, इसलिए चर्चा में रहा है। सभी को पता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध लंबे समय से चल रहा है, ऐसे में ये दो दी वाइजेंट यूरोपियन बाइसन जो है दोस्तों, इसके ऊपर संकट गहरा रहा था, तो ऐसे में इसके संरक्षण पर प्रकाश डाला गया, जिसकी वजह से ये चर्चा में ध्यान रखेंगे। ये जो जानवर है दोस्तों, ये 1927 तक विलुप्त होने की कगार पर था पूरे यूरोपीय महाद्वीप में, लेकिन उसके बाद इसका संरक्षण प्रारंभ किया गया और आज ये पर्याप्त संख्या में मौजूद है। लेकिन यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो भी गोलाबारी और स्थिति हुई थी उसके चलते इस पर फिर से संकट आया, जिसको प्रकाश में लाया गया है। ये है क्या दोस्तों? तो याद रखिएगा कि यूरोपियन वुड बाइसन जो है दोस्तों, इसको हम बाइसन बोनसस भी कहते हैं, यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्थलीय स्तनपायी है। यूरोप में हाथी और ये आपको जनरली देखने को नहीं मिलते, ऐसे में वहां पर यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे भारी स्थलीय स्तनपायी जो है वो कौन है दोस्तों? यूरोपियन वुड बाइसन है। एक बार तीन तीन प्रजातियों में केवल एक है, याद रखिएगा कि इसकी तीन तीन उपप्रजातियां थी जिसमें से एक ये मौजूद है, बाइसन बोनसस ही ये बचा हुआ है, बाकी दो अन्य प्रजातियां जो इसकी वो लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। इसका जो पर्यावास है दोस्तों, कहाँ रहता है? तो ये घास के मैदानों में रहता है, पर्णपाती और मिश्रित वनों में देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये बेलारूस में, लिथुआनिया में, पोलैंड में, रूसी संघ में और स्लोवाकिया और यूक्रेन में मिलता है। अब ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं दोस्तों, वो रूसी और यूक्रेन के युद्ध के कारण प्रभावित रही, जिसके कारण ये बाइसन भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। ये जो है ये IUCN की लिस्ट में शामिल है दोस्तों। IUCN कौन जारी करता? IUCN जो है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये 1948 में स्थापित हुआ था, स्विट्जरलैंड के ग्लेंड में IUCN का मुख्यालय, और ये रेड लिस्ट हर साल चार साल में जारी करता है। तो रेड लिस्ट जो है, जिसको हम बोलते हैं रेड डाटा बुक, वो कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है हर चार वर्ष में। और इसकी जो रेड डाटा लिस्ट है दोस्तों, उसकी संकटापन्न प्रजातियों में ये बाइसन आता है। अगर इसके खतरे की बात करें दोस्तों, तो बहुत तेजी से जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, दूसरी बात इसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मनुष्य के द्वारा इसका शिकार होता है, जिसके कारण ये आज विलुप्ति के कगार पर पहुंचा हुआ है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। अगला टॉपिक दोस्तों, भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय। 2023 में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र का अभिसमय जो है दोस्तों, इसकी 20वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसलिए ये भी चर्चा में है। अगर हम देखें दोस्तों, तो ये G20 के अंतर्गत ही आता है। G20 अपने भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह के माध्यम से विश्व स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे यहाँ पर भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, इसमें सोशल ट्रैक के भीतर B20 एवं Site20 चर्चाओं के विषय के तौर पर शामिल किया जाता है। अगर हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की बात करें, मतलब ये है क्या, ये अभिसमय है क्या, तो 9 दिसंबर 2003 को मेक्सिको में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा 14 दिसंबर 2005 में यह लागू हुआ था। इसी के आलोक में 9 दिसंबर को ये अभिसमय बना था दोस्तों, इसीलिए 9 दिसंबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस भी मनाया जाता। तो अगर एग्जाम में पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस कब मनाया जाता, तो 9 दिसंबर को मनाया जाता। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन मेक्सिको में 9 दिसंबर 2003 को संयुक्त राष्ट्र अभिसमय
पर हस्ताक्षर किए गए थे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मुहिम के तौर पर है दोस्तों, और ये एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोल सकते हैं विरोधी संधि है। अगर आप MPPSC UPSC का पेपर लिखते हैं दोस्तों, तो उसमें आपको भ्रष्टाचार का टॉपिक आता है और उसमें आपसे पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोकने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो वहां पर आप ये बता सकते हैं कि 9 दिसंबर 2003 को मेक्सिको में ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर हस्ताक्षर किए गए। ये एकमात्र विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला हम देखें दोस्तों इसी टॉपिक को, तो ध्यान रखिएगा कि इसमें 5 प्रमुख क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इसमें निवारक उपाय शामिल किए गए, अपराधीकरण व विधिक परिवर्तन शामिल किए गए, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को शामिल किया गया है, परिसंपत्ति की वसूली शामिल की गई और तकनीकी सहायता व सूचना का विनियमन शामिल किया गया। मतलब ये कि निवारक उपाय भी किए जाएंगे, अपराधीकरण और विधि प्रवर्तन वो भी शामिल किया जाएगा, इस पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करेंगे एक देश दूसरे देश का, संपत्ति की वसूली को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं बोल सकते इजाजत देंगे, इसके अलावा तकनीकी सहायता सूचना भी दी जाएगी, ये सभी व्यवस्था इसमें शामिल की गई है। इसके अलावा भ्रष्टाचार में क्या बोला गया है, तो इस अभिसमय के हिसाब से रिश्वतखोरी, प्रभावपूर्ण व्यापार, कृत्यों का दुरुपयोग, निजी क्षेत्र में भ्रष्टाचार के विभिन्न कृत्यों को भ्रष्टाचार की परिभाषा में शामिल किया गया है, इन सभी के अंतर्गत ये लोग इस सूचना को शेयर करेंगे और एक्शन लेंगे। G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि G20 भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह जो है इसको आप ACWG की कहते हैं। इसकी स्थापना 2010 में टोरंटो में जो शिखर सम्मेलन हुआ था G20 का, उसके दौरान की गई थी। यह भ्रष्टाचार से निपटने के लिए प्रभावी रणनीतियों को साझा करने वाला एक संस्थान है दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता G20 के अध्यक्ष और एक सहअध्यक्ष के द्वारा की जाती है। मतलब अगर 2023 में G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी तो यह संस्था भी भारत की अध्यक्षता में थी, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को आप देखते हैं कि विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इस प्रकार से बयान देते थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों को एकजुट भी करने का काम कर रहे थे। अगला टॉपिक है बोनट मकाक बंदर दोस्तों, ये कर्नाटक का एक गांव है जहां पर 27 बोनट मकाक प्रजाति के बंदरों के शव मिले हैं। ये शव की खोज जो है दोस्तों कहीं ना कहीं इन बंदरों और मानव के बीच में संघर्ष को बताने का काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से इनके निवास पर अतिक्रमण किया जा रहा है और इनके साथ मानव का संघर्ष जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। याद रखिएगा कि जो बंदरों का क्षेत्र है दोस्तों, उन क्षेत्रों में मानव का हस्तक्षेप बढ़ा, विभिन्न परिस्थितियों के चलते बंदरों का भोजन कम हुआ। जब बंदरों को भोजन कम हुआ तो बंदरों ने मानव के क्षेत्रों में भोजन की तलाश के लिए जाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मानव और बंदरों का जो संघर्ष है वो यहाँ पर चालू हो गया। तो यहाँ पर वही कि बंदरों की घुसपैठ हुई, इस घुसपैठ ने कहीं ना कहीं चिंता को यहाँ पर जगा दिया है। क्यों? क्योंकि जो कर्नाटक का गुथीगारू गाँव है दोस्तों, यहाँ पर यह माना गया कि इन बंदरों ने घुसपैठ की तो इन बंदरों को जहर देकर मार दिया गया है। ठीक है, जब प्राकृतिक खाद्य स्रोत कम हो जाते हैं तो जंगल के जो जीव हैं दोस्तों, विशेष तौर पर बगीचों में, नारियल के क्षेत्रों में, बागानों में फल खाने के लिए आ जाते हैं, जिसके चलते जो यहाँ के बागानों के मालिक हैं उन्होंने इनको जहर देके मार दिया, ऐसा अंदाजा लगाया गया है। बोनट मेकॉक दोस्तों विश्व की प्राचीन प्रजाति के बंदर हैं। ये भूरे रंग के होते हैं, बड़े इनके कान होते हैं, झुर्रीदार इनका चेहरा होता है, सिर पर बाल होते हैं इनके। इसको इसके याद रखिएगा कि इसको बोनट मेकॉक को इसका नाम इसके सिर के शीर्ष पर बालों के कारण मिला है, क्योंकि ये टोपी या बोनट की तरह दिखाई पड़ता है। बोनट मेकॉक जो है दोस्तों स्थानीय सहभोजी है, वे केवल प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं, मनुष्यों के निकट रहते हैं और IUCN में इनकी स्थिति जो है वो सुभेद्य है दोस्तों, रेड डाटा बुक के अंतर्गत। ठीक है, अगला टॉपिक है सारथी पोर्टल दोस्तों। सारथी पोर्टल जो है दोस्तों, शिक्षा राज्य मंत्री ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि उच्च शिक्षा विभाग जो है, शिक्षा मंत्रालय जो है, वो IIT कानपुर के सहयोग से साथी SATHEE साथी मतलब प्रवेश परीक्षा के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता पोर्टल शुरू कर रहा है। एग्जाम में पूछेगा कि साथी का फुल फॉर्म क्या है, तो प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्वमूल्यांकन परीक्षण और सहायता पोर्टल है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान करना है, जिससे कि वो नीट, IIT जैसी परीक्षाओं में, इंजीनियर परीक्षाओं में अच्छे से भाग ले सके, उनको पास कर सके। ठीक है,
अगला टॉपिक है दोस्तों 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस। दोस्तों भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है दोस्तों इसका हर साल एक समिट होता है और इस बार इसका समिट को लेकर ये प्रश्न है कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है दोस्तों यहाँ पर 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी का नाम इसने दिया था कि हम हमारे यहाँ पर इसकी मेजबानी करेंगे, प्रोग्राम कराएंगे, लेकिन उसने अपना नाम वापस ले लिया है और इसके कारण ये चर्चा में बना हुआ है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि भारतीय विज्ञान कांग्रेस क्या है। तो ये एक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली वैज्ञानिक संगठन है और इसकी वार्षिक बैठक जनवरी के पहले सप्ताह में होती है। इस बार जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में होने वाली थी, लेकिन इसने अपना नाम वापस ले लिया कि भाई हमारी बैठक यहां पर नहीं करवा सकते हैं। अगर हम बात करें आईएससी का जो अब कौन सी बैठक होनी है 2024 में 109वीं बैठक होनी है दोस्तों, और इसकी स्थापना 1914 में हुई थी। क्या हुई थी? 1914 में हुई थी। ध्यान रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन जो है दोस्तों इसका आधिकारिक निकाय है। इसके कार्यक्रमों का आयोजन कौन करता है? तो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन करता है। ये जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन है दोस्तों, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक पेशेवर निकाय है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 109वें जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस होगा दोस्तों, उसका जो विषय है, जो थीम है, वो क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिदृश्य परिप्रेक्ष्य, ये इसकी थीम है। तो एग्जाम में थीम पूछ सकता है, कहाँ होने वाली उसको पूछेगा, तो कैंसिल हो गया। जब आगे इसका नया शेड्यूल होगा कुछ, तो उसको हम करंट अफेयर में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है गोवा मुक्ति दिवस। 19 दिसंबर को दोस्तों गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा कि गोवा जो है वो 1510 में पुर्तगालियों ने जीत लिया था और उसके बाद से वास्तव में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना होती है। उसके बाद से लगातार गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार बना रहा। तो पुर्तगाली भारत आने वाली पहली विदेशी यूरोपीय शक्ति थी, जो बोल सकते हैं कि मई 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था, उसके साथ साथ इनका भारत में प्रवेश हुआ, ठीक है। उसके बाद इन्होंने भारत में 1505 से वॉयसराय प्रणाली लागू करके एक एक करके अपने वॉयसराय भेजना शुरू की और 1510 में गोवा को अधिकार करके इसको अपनी मूल बस्ती बना लिया था दोस्तों, ठीक है। बाद में पुर्तगाली जो है दोस्तों, इनको लेकर एक और चीज पूछी जाती है कि सबसे पहले भारत में कौन आया था? पुर्तगाली यूरोपीय शक्ति आई थी, और भारत से सबसे बाद में जाने वाली शक्ति भी यूरोपीय शक्ति थी। 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था। तो याद रखिएगा पुर्तगाल के चंगुल से गोवा को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय लॉन्च किया था दोस्तों, और इसके माध्यम से 19 दिसंबर 1961 को गोवा दमन दीव को भारत की मुख्य भूमि में विलय कर लिया गया था, ठीक है। और परिणाम स्वरूप यह हुआ कि गोवा दमन दीव भारत के केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। 1987 में 25वें राज्य के तौर पर गोवा को संघ का हिस्सा बना दिया गया था दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये काम किया गया था 30 मई को, इसलिए 30 मई को गोवा राज्य स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं। तो गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है और गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है दोस्तों क्राफ्ट प्रक्रिया क्या है। तो क्राफ्ट प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया दोस्तों जिसमें लकड़ी का काफी छोटे छोटे टुकड़ों से सेल्यूलोज फाइबर का उत्पादन किया जाता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों से सेल्यूलोज फाइबर का उत्पादन किया जाता है दोस्तों, इस उत्पादन की प्रक्रिया को क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। कागज और रोजमर्रा की सामग्री बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसमें जो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको उच्च तापमान पर जल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड के साथ रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है। मतलब क्या? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को हाई टेम्परेचर पर पानी के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम सल्फाइड के साथ रासायनिक रूप से उपचारित किया जाता है, तब जाकर इनका क्या होता है दोस्तों, पूरा सेल्यूलोज फाइबर का उत्पादन होता है। और इसी प्रक्रिया के कारण कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि इस प्रक्रिया को क्राफ्ट प्रक्रिया कहते हैं। और सबसे मजबूत प्रकार का कागज हो या रोजमर्रा की अन्य सामग्री हो, वो इनसे बनाई जाती है। अगला टॉपिक है मिलेट क्वीन। दोस्तों उड़ीसा के कोराटपुर जिले में रहने वाले एक जनजाति किसान है जिनका नाम है रायमती घुरिया। इन्होंने कृदन की 30 किस्मों का संरक्षण किया और सैकड़ों महिलाओं को कहीं ना कहीं इस कदन की खेती के लिए प्रशिक्षण भी दिया। इनके इस योगदान को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष जो रहा दोस्तों 2023, इसमें G20 का सम्मेलन जब हुआ था भारत में दिल्ली में, जो बोल सकते हैं भारत मंडपम बिल्डिंग है उसमें, वहां पर इनको आमंत्रित भी किया था और इन्हें मिलेट क्वीन की संज्ञा दी गई। तो एग्जाम में पूछे कि मिलेट क्वीन कौन है, तो रायमती घुरिया उड़ीसा की है, जिन्होंने 30 किस्मों के मिलेट्स का कदन का संरक्षण किया था और कई महिलाओं को
इसका प्रशिक्षण भी दिया, इसलिए इनको मिलेट क्वीन का संज्ञा दी गई है। कदन्न क्या होते हैं दोस्तों? ये सूखा प्रतिरोधी फसल है, मतलब ये कम पानी में आसानी से हो सकते हैं और इनको उपजने के लिए बहुत कम पानी की जरूरत तो है ही है, साथ ही साथ अगर मिट्टी की गुणवत्ता उतनी नहीं है तो भी अच्छे से उत्पादित हो सकते हैं। फाइबर, प्रोटीन, विटामिन, खनिजों का अच्छा स्रोत होते हैं कदन, और प्राकृतिक रूप से ग्लूटेन मुक्त होता है। सिलीएक रोग अथवा ग्लूटेन सहिष्णुता लोगों के लिए बहुत बेहतर ये काम हो सकता है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंस दी गई और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के तौर पर मनाया गया। साथ ही साथ रायमती घुरिया को उड़ीसा के इनको मिलेट क्वीन भी कहा गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों, NHRC ने दिए सलवा जुड़ूम पीड़ितों की जांच के निर्देश। सबसे पहले यदि NHRC क्या है, ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है दोस्तों। ह्यूमन राइट कमीशन ने जो सेंट्रल गृह मंत्रालय है साथ ही साथ 6 राज्य की जो सरकारें हैं इनको एक आदेश दिया, जिसमें इन्होंने कहा है कि सलवा जुड़ूम जो है इनको जो भी प्रभावित है इनको इनके बारे में हमें बताइए, तो जांच के निर्देश दिए हैं। अब कारण क्यों है? क्योंकि कई राज्यों के वन क्षेत्रों में रहने वाले विस्थापित लोगों को बुनियादी कल्याण कार्यक्रमों जैसे वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रदत्त जो भी अधिकार हैं, जनजाति का दर्जा है, भूमि अधिकार है, सामाजिक कल्याण का लाभ है, ये नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से उनके ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन का मामला देखा जा रहा है। इसकी जैसे ही बात ह्यूमन राइट कमीशन के सामने गई तो उन्होंने इस बात के आदेश गृह मंत्रालय को और 6 राज्य की सरकारों को दिया। अब यहां समझना है कि ये सलवा जुडूम क्या है, क्योंकि एग्जाम में यही आएगा कि सलवा जुडूम क्या है, करंट अफेयर से क्वेश्चन। तो सलवा जुडूम दोस्तों एक गैर कानूनी सशस्त्र नक्सलियों के विरुद्ध प्रतिरोध के लिए संगठित जनजातीय लोगों का एक समूह है। याद रखिएगा, गैर कानूनी सशस्त्र नक्सलियों के खिलाफ, मतलब नक्सलवाद के खिलाफ जनजातियों का एक संगठित समूह है, जिसको कथित तौर पर छत्तीसगढ़ सरकार सरकारी तंत्र द्वारा समर्थन प्राप्त था नक्सल के खिलाफ, इसको हम बोलते हैं सलवा जुडूम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस वजह से चर्चा में था। इसके बाद जो टॉपिक रहा डिस्कशन में वो था दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023। 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रदान करने की घोषणा हाल ही में की गई है। और याद रखिएगा कि साहित्य अकादमी जो है दोस्तों ये राष्ट्रीय स्तर के साहित्य पुरस्कार है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार भी है, याद रखिएगा। तो भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद किसका नाम आता है दोस्तों? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद नाम आता है साहित्य अकादमी पुरस्कार का, और ये पुरस्कार जो है दोस्तों 1954 में स्थापित किया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। इसमें दोस्तों याद रखें 1,00,000 रुपए दिए जाते हैं, 1,00,000 रुपए के साथ साथ ताम्रपत्र दिया जाता है, एक शॉल दिया जाता है, ठीक है। विजेता के चयन किस आधार पर होंगे? जो भी लेखक होगा वो भारत का नागरिक होगा और उसको उससे संबंधित भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट योगदान देना चाहिए, तभी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। काशी तमिल संगमम, भारत के प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी का दौरा हाल में किया था, और वाराणसी का जो नमो घाट है वहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन भी किया है। ये काशी तमिल संगमम जो है दोस्तों ये उत्तर तथा दक्षिण भारत के बीच ऐतिहासिक एवं सभ्यतागत संबंधों को बेहतर करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। एक कथा प्रचलित है कि बोल सकते हैं कि तमिलनाडु जो है और काशी के बीच में प्राचीन काल के संबंध रहे हैं। यहाँ मदुरई के जो राजा थे उनका नाम था पांडे राजा जो थे अपने मंदिर के लिए लिंगम वापस लाने के लिए कहाँ गए थे? काशी आए थे। काशी जब आ रहे थे तो राजा एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, यहाँ पर एक गाय आ गई और उस गाय ने इन राजा को क्या किया, अपनी यात्रा करने से रोक दिया, आगे नहीं बढ़ना दिया। तब इन पांडे राजाओं ने उस लिंगम को वहीं स्थापित कर दिया और वहीं स्थापित करके वहां पर वो सबसे शिव काशी के नाम से उसको प्रसिद्ध कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं काशी और जो मदुरै है, तमिलनाडु है, उसके बीच में एक संबंध बताया गया, इसलिए इसको काशी तमिल संगमम के नाम से आयोजित किया जाता है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु और वाराणसी की कला हो, संगीत हो, हथकरघा हो, हस्तशिल्प हो, व्यंजन हो, आदि सभी को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। 1 माह तक ये जारी रहेगा, जिसके दौरान इन सभी चीजों की बिक्री होगी और लोगों को रोजगार भी मिलेगा दोस्तों, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है दोस्तों वो पांड्य राजाओं ने बनवाया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि दक्षिण पश्चिमी तमिलनाडु में तेन काशी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अगला टॉपिक है जूट किसानों की सुविधा हेतु पाठ
मित्रों याद रखिएगा, पाठ मित्रों एक एप्लीकेशन है जो वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जूट संगोष्ठी के दौरान लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका नाम याद रख लीजिएगा, पाठ मित्रों। पाठ मित्रों जूट किसानों के लिए जारी किया गया है। ये 6 भाषाओं में निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है और इसके अंतर्गत जूट की खेती और आदि चीजों के बारे में जानकारी की दी जा रही है। इसके अलावा किसान जो होंगे अपने जूट भुगतान को ट्रैक करेंगे, प्रश्न कर सकते हैं दोस्तों चैट करके। इन सभी चीजों का कहीं ना कहीं निवारण एक जगह पर होगा। भारत जो है जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये भी याद रखिएगा, और इसके बाद बांग्लादेश और चीन का स्थान आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक है जंतुओं में रात्रि दृष्टि। जंतु जो होते हैं दोस्तों, इनकी नेत्रों की संरचना जो है वो अलग प्रकार की होती है, साथ ही साथ ये लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं इनके अंतर्गत, जिनके कारण ये अंधेरे में अपने मार्गदर्शन कर सकते हैं। मतलब इनको रात्रि में कुछ जंतु जो देख पाते हैं वो उल्लू सरीके, वो क्यों देख पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो नेत्रों की संरचना वैसी होती है और ये लाइट सेंसिटिव सेल्स इनके अंतर्गत होते हैं। याद रखिएगा कि लाइट सेंसिटिव सेल्स जो होती है दोस्तों, वो दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दंड या रोड, दूसरी होती है शंकु या कोन। दंड जो होती है ये कम रोशनी में रात्रि दृष्टि की तरह देखती है, और शंकु जो होती है दोस्तों दिन के प्रकाश या रंगों को देखने में प्रयोग होती है। ठीक है, दिन में जो सक्रिय जीव रहते हैं उनके पास स्पष्ट छवियों के लिए अधिक शंकु कोशिकाएं होती है, मतलब ये होती है दिन के लिए। ठीक है, किंतु कम रोशनी में इन्हें संघर्ष करना पड़ता है, जबकि रात्रि वाले जो होते हैं उनके अंदर दोस्तों क्या याद रखा, दंड कोशिकाएं ज्यादा होती हैं, जिसके कारण वे रात में अच्छे से देख पाते हैं। तो दिन के जीवों के लिए शंकु होते हैं और रात के लिए दंड कोशिकाएं होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, कैटामाइन क्या होता है? कैटामाइन दोस्तों हाल के दिनों में कैटामाइन औषधि सुर्खों में आई थी। क्यों आई थी? क्योंकि इसके अनुप्रयोग, प्रभाव और सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर हाल ही में बहस देखने को मिली थी, जिसके चलते कैटामाइन औषधि चर्चा में आई थी। अगर हम कैटामाइन के बारे में इंपॉर्टेंट तथ्य देखें तो दोस्तों कैटामाइन एक विघटनकारी संवेदना हारी है। जो संवेदनाएं आपके अंदर होती है, कुछ भी महसूस करना होता है, वो आप उसको भूल जाते हैं। किसके कारण? कैटामाइन के कारण। डॉक्टर इसका उपयोग सामान्यतः एनेस्थीसिया के लिए करते हैं। एनेस्थीसिया जो होता है दोस्तों वो क्या है, एक निद्रा जैसी परिस्थिति होती है जिसके अंतर्गत आप सब कुछ चीजें भूल जाते हैं, शरीर और बाहरी दुनिया के बीच में संपर्क जो होता है वो खत्म हो जाता है, आप अपने में मगन हो जाते हैं। जनरली जो मेंटली डिसऑर्डर्ड वाले लोग होते हैं उनको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसके चलते वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं आराम से अपना जीवन निकाल सकते हैं, मतलब उनको दिमागी तौर पर आराम मिलता है। ठीक है, तो ये जो केटामाइन है दोस्तों वो अवसाद के लिए, तनाव के लिए, मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए और मनोरंजन के लिए उपयोग होता है। मनोरंजन का मतलब होता है कि लोग जो होते हैं वो नशा करने के लिए, सूंघने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए इसका प्रयोग जनरली करते हैं, जिसको हम दुरुपयोग बोल सकते हैं। ठीक है, केटामाइन के प्रभाव क्या है दोस्तों? ये मस्तिष्क में N-methyl-D-aspartate रिसेप्टर को अवरुद्ध कर देती है। ये N-methyl-D-aspartate जो होता है दोस्तों ये एक रिसेप्टर है। ये रिसेप्टर क्या करता है? पीड़ा संकेतों के संचरण तथा मनोभाव के नियमन को प्रभावित करता है। अगर यहां पर चोट लगी है, संदेश यहाँ तक जाने वाले सिस्टम को आप क्या करते हैं तो रोक देते हैं, तो ये रिसेप्टर को क्या करता है, अवरुद्ध करता है। इसको अवरुद्ध कौन करेगा दोस्तों? केटामाइन। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं इसको प्रयोग किया जाता है ताकि मरीज को एक सुख आभास हो। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है धारावी पुनर्वास परियोजना। धारावी पुनर्वास परियोजना दोस्तों ये महाराष्ट्र सरकार की एक पहल है और इस पहल को 2004 में ही शुरू किया गया था, और हाल ही में कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं पक्षपात के आरोपों के कारण ये विवाद में आ गई है। ध्यान रखना है कि धारावी जो है वो हमारे देश में जो महाराष्ट्र में मुंबई है, मुंबई में बोल सकते हैं कि एक झुग्गी बस्ती है, झुग्गी बस्ती उसको धारावी के नाम से जाना जाता है, और 2004 में महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने मुंबई को झुग्गी बस्ती स्लम मुक्त शहर बनाने के लिए एक स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण बनाया था, जिसके तहत धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था। अब ये धारावी पुनर्विकास प्राधिकरण जो है दोस्तों उसने कहा कि हम क्या करेंगे, औद्योगिक और वाणिज्यिक पहलुओं को देखते हुए धारावी जो झुग्गी बस्ती उसका संरक्षण और उसका पुनर्विकास करने का काम करेंगे। अब इसका टेंडर खुलने वाला था, उस टेंडर के अंतर्गत पक्षपात के आरोपों के कारण विवाद आ गया, जिसके कारण ये चर्चा में है। बहरहाल अगर हम बात करें धारावी क्या है,
एशिया में झुग्गी बस्तियों का सबसे बड़ा समूह जो है वो धारावी है, मुंबई के बिल्कुल बीचों बीच में अवस्थित है, 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1882 में ब्रिटिश काल में हुई थी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को भी देखा, टॉपिक्स को भी किया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ अगले क्लास में फिर से नए टॉपिक नए प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।